आपने कहा कि किसी को प्रोटेक्ट कर रही थी, मुंबई पुलिस दबाव में आ रही थी, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी जिसमें कहा था कि एक मंत्री को बचाने की कोशिश हो रही है, क्या आपका इशारा आदित्य ठाकरे की ओर है? क्योंकि खुद आदित्य ठाकरे ने भी अपनी ओर से एक बयान जारी करके कहा था कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कभी आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया है, तुम ही लोग ले रहे हैं। आपने गौर किया होगा, मैंने सुशांत के मैटर में आज तक एक भी नाम नहीं लिया। मैंने क्यों नहीं लिया है, उसके पीछे दो रीजन है। एक तो मेरी पॉलिसी है, जैसा आपको पता होगा, कई बार जब तक मैं मेरे आंख से ना देख लू, मैं वेरीफाई ना करूं, मैं बोलू ही नहीं। और दूसरी चीज, कभी कभी मुझे पता भी है तब भी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ उसको कूटनीति होता है, जो हमारा शिवाजी महाराज का गुरिल्ला वार का स्टाइल होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा उसका इंतजार कीजिए। जिस दिन ये खुल गया, दिशा सालियान के केस में एक अरेस्ट हो गया, उस दिन सारे पत्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, बाद में सब कड़ी से कड़ी जुड़ना शुरू हो जाएगी। कि मान लीजिए कि सुशांत के मर्डर और दिशा के मर्डर की इंक्वायरी, तो मान लीजिए सुशांत का तो है ही है सीबीआई के पास, वो ट्रेल करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे और उसकी भी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन क्या जो सीबीआई के पास जो डायरी है सुशांत की, उसमें जो बातें कही गई हैं, क्या उसके तरफ इन्वेस्टिगेशन होगी, या वो सीबीआई कहेगी कि देखिए अब इस मामले में सुशांत के मर्डर का मामला मेरे पास है, डायरी का मर्डर से रिश्ता अगर वो जोड़ पाए या उसमें अलग कोई गुनहगार वो बना पाएंगे? अगर मैं बहुत ज्यादा आशावादी रहूं और मैं इस बात पर विश्वास करूं कि भगवान थोड़ा चमत्कार कर दे तो बिल्कुल बना पाएंगे, इस बात पर विश्वास करूं कि भगवान थोड़ा चमत्कार कर दे तो बिल्कुल बना पाएंगे,